मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव। हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया? जिनके घर शहीद की जब जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। कैसे जा रहे हैं लड़के? कितने लोग बाहरी कंट्रियों में बच्चों को जमीनें बेच बेच कर जा रहे हैं? उनको कौन रोकेगा? उनको जाने से कांग्रेस रोकेगी। जब कांग्रेस आएगी तो वो नौकरियां जब पैदा करेगी, मोदी नहीं करेगा कभी। आपका ईआरसीपी का है, आपकी लाइफ लाइन है, जहां का मंत्री गजेंद्र सिंह है, मोदी ने कई बार अनाउंस कर दिया अगर पानी नहीं है तो राजस्थान नहीं है, अगर पानी आ गया तो राजस्थान है। तो क्यों नहीं मोदी उसके ऊपर बोलता? क्यों नहीं, इसलिए नहीं बोलता कि अडानी ने नहीं कहा होगा कि अभी नैब मेरे लिए रहने दो। 14,000 करोड़ माफ कर दिया किसानों का कोऑपरेटिव बैंक ने। क्यों नहीं जो दूसरे बैंक है नेशनलाइज बैंक, वो क्यों नहीं लिस्ट दे रहे स्टेट गवर्नमेंट को? किसने देनी है? चौधरी को पता है कि हमने पंजाब में कर्जा माफ किया। जो बैंक थे नेशनलाइज बैंक, उन्होंने आज तक पंजाब गवर्नमेंट को लिस्ट नहीं देखते कितने लोगों का कर्जा हमारे पास है। मोदी कभी नहीं चाहेगा कि किसान कर्जे से बाहर आ सके। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर अडानी अबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म सबसे पहले करो, उसको बीजेपी को हराओ। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है, और इसलिए ये न भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उन शहीदों ने सियासत नहीं की, अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई थी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो आपका बयान है ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है।